तो हर हर महादेव दोस्तों, क्या हालचाल। होप कि आप बड़े होंगे। मेरा नाम है सूर्या, जैसे कि आप जानते हैं द राइडर सूर्या करके। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से, और आज मैं लेके चलने वाला हूँ आपको माँ श्यामा देवी के दरबार में। तो अभी मैं हूँ घर में फिलहाल, बाकी मेरे पीछे साइड देख सकते हो कितने सारे फूल हो रखे हैं, और यहाँ पे पापा सिम्बा और मम्मी गए, मम्मी भी आ रही है। अभी मम्मी मेरे को भेंट दे रही है मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो मैं चलता हूँ अभी फटफट। एक दो लोग नीचे सड़क पे हैं, उनको भी लेके जाना है। और हाँ, अभी चलते हैं और बाकी आपको मंदिर का व्यू करवाते हैं, और आज वहाँ पे भंडारा, और हाँ लेके चलते हैं आपको श्यामा देवी मंदिर पे। मेरे पीछे आपको एक वाइट सा क्लाउड दिख रहा होगा, वहीं उसी साइड में श्यामा देवी माता का मंदिर है। अगर यहाँ से हम ट्रैक करते हैं तो 7 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक रहेगा। तो अभी हम जाएंगे सड़क बाई सड़क, रोड से जाएंगे, तो गाड़ी वहीं पर जाती है। चलो चलते मैं नाश्ता कर लूँ। पे तुम बहुत लेट रहा सच्ची में। तो फाइनली हम रोड पे पहुंच चुके हैं। ताऊ जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बूबू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज हम जा रहे हैं कहाँ? श्यामा देवी। आज क्या है ताऊ जी वहाँ? वहाँ भंडारा है। भंडारा किस चीज का? वो माता रानी का, वो चौकी लगी है वहाँ का भंडारा। अच्छा अच्छा, चलो फिर हिटो। अब तो भीड़ हीड़ बाद में पी लेला। जय माता दी। लाओ लाओ। सो अभी हम रुके थे थोड़ा नौगांव में, यहाँ पे चली हुई है श्रीमद् भागवत कथा। तो अभी निकल ली थी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा कलश यात्रा, और हमें तो जाना भाई श्यामा देवी मंदिर। फिलहाल हम निकलने ही वाले हैं श्यामा मंदिर के लिए, थोड़ा कलश यात्रा देखने के लिए रुक गए थे। सफाई नहीं ली गई। अभी हम माता के दरबार में पहुंचने वाले हैं, और अभी हम बाइक को नीचे लगा के आज हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल ट्रैक करके। देख सकते हो बाइक से आने की बात अलग है, पैदल ट्रैक करने की जो बात है ना वो अलग ही है। और अभी हम देखो चारों तरफ घना जंगल है, यहाँ से पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं माता के दरबार तक। तो जो फीलिंग है ना वो कुछ एक्सट्रीम है। और ताऊ जी हो गए, बूबू जी हो गए, साथ में चल रहे हैं। बूबू जी कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मस्त लग रहा है ना। पाँव भी बिल्कुल वो हो गए ना। ताऊ जी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि माँ के दरबार में आ रहे हैं हम यहाँ आज। बिल्कुल आज यहाँ हमारा वो है पारायण, जो बढ़िया सा दृश्य लोगों को दिखाओ। ये देखो भाई चारों तरफ ना पेड़ ही पेड़ है सारे बाज के, और यहाँ पे एक ना पानी स्टॉक के लिए साइड टैंक है ये। अभी इसमें पानी है नहीं, वैसे रहता है पानी इसमें। और अभी देखो हम थोड़ा सा नज़दीकी हैं बस पहुंचने वाले, वैसे तो बाइक भी जाती है, पर जो बात पैदल ट्रैक करने का है ना मज़ा, वो फिर बाइक में नहीं मिलता। नहीं अभी जो हम चल रहे हैं ना उसका जो फील है ना वो कुछ अलग ही है। तो अभी चलते हैं ऊपर को। धूप बता जय माता दी आंटी जी, वो दे दो
धूप बता से दो जगह ऊपर वहां पे हो रहा हवन, चेक करो भाई। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। यहाँ पे जो शांति सुकून है ना वो नेक्स्ट लेवल है, ये चेक करो। और ये वाला गेट जो है ना, हम यहाँ से पहले आया करते थे। दरअसल हमारा पैदल ट्रैक जब हुआ करता है ना, तो वहाँ नीचे साइड से गांव से तो ये रास्ता होता है हमारे यहाँ आने तक का, और ये वाला गेट पड़ता है। हमें आपने देखा होगा होली वाले ब्लॉग में इनको वहाँ मंदिर में दिनों पे बेटों पे काशी जानी हो। अरे हर हर महादेव जय श्री शंभो। जय माता दी। कैसे हो? बढ़िया हो रहे हैं, आप सुनाइए। बस बढ़िया बढ़िया, एक चाय बना दो। तो गाइस अभी हम करने वाले चेक कीवी, और ये पक गई है अच्छे से। और यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है ये कीवी ना, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है तो कीवी होती है। ताऊ जी नेचुरल ये 250 रुपए किलो कह रहे हैं। ये आ गई हमारी चाय और चली भी। सो गाइस अभी हम बैठे थे चाय की दुकान पे, और मुझे मेरे पुराना मित्र मनीष मिल गया, स्कूल फ्रेंड। और पीछे भाई तेरा नाम क्या है? हिमांशु। ये भाई भी अपने पड़ोस गांव के ही है, डोबा के। तो अभी ये लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे ना घंटियाँ बधी हुई थी, अभी देखो सारी घंटियाँ जो हैं इधर हैं। और इतनी घंटियाँ ना भाई, बहुत सारी। ये देखो अभी बहुत ज़्यादा ही हैं, सारी यहाँ डाल दी अब। गाइस भंडारा शुरू हो चुका है। ये देख 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 रहे हो गाइस, पाजी वाट जिंदा वो भी ऐसे लोग भक्त बने हुए हैं मंदिर के। दादी उठला आज गरम लग रहे हैं।
क्या कहना चाहोगे भाई अब इसमें बताओ? अभी मैं कुछ बोलूंगा ना खाली विवाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि विवाद हो। मेरे को गुस्सा काफी ज्यादा आया बिकॉज मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। चलो अरे इसको देखो एक बार, ये भारी कितना है। वही तो इससे मारा बताओ। खीर का सो फाइनली गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया, अभी चल रहे घर की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में जो नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मंदिर में आते हो ना भाई? ये शायद वही डॉग है, मारा था क्या तू ही है क्या? तो यहाँ पे अच्छे कर्मों के साथ आओ, अच्छे विचार लेके आओ, दूसरे के प्रति प्यार दिखाओ। पता नहीं किस रूप में आकर माता रानी आपकी परीक्षा ले ले, समझ रहे हैं?